नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और प्रियंका ट्रिक रसोई में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ जलेबी की रेसिपी, जो फ्रेंड्स लगभग सबको ही पसंद आती है और घर में बना हो तो और ही टेस्ट अलग आता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक भगोना लिया है, इसमें मैंने दो दो कटोरी चीनी डाली है यानी कि 2 कप, और 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिलाएंगे और फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाला, इसमें ऑरेंज कलर, आपको जौन सा मतलब जैसे या तो येलो कलर या तो ऑरेंज कलर आप डाल सकते हैं, और आधा लेमन का जूस डाला है मैंने इसमें। तो फ्रेंड्स, हमें इसकी चाशनी जो है सिर्फ चिपचिपी बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, 1 कप मैंने मैदा ली है, आधी कप दही ली है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है आधा चम्मच के लगभग था, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्रेंड्स हम अच्छे से मिलाएंगे। लगभग हमारा 1 कप पानी लग गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं। हमें बैटर जो है ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी जो जलेबी अच्छी नहीं निकलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा एक पॉलीथीन ली है, आप कौन ले सकते हैं, तो गिलास में मैंने डाल लिया है, उसी के हिसाब से मैं इसमें बैटर जो है भरूंगी और इसका कोना जो है हम काट लेंगे। पहले ऊपर से इसको बांध लेते हैं, अब कोई रस्सी या रबड़ लगा सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा काटना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं होल होना चाहिए इसका। और ऑयल जो है मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा हाई गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लेम जो है मीडियम लो रहेगा। और आप देख सकते हैं सिक रहा है। फ्रेंड्स, मार्केट की जैसे एकदम गोल मेरी तो नहीं बन पाती है, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना, मार्केट से भी अच्छा आता है। तो आप घर में बनाइएगा और मार्केट से एक बार बनाएंगे तो मार्केट से लाना सच में ही भूल जाएंगे, और जब चाहे तब बना सकते हैं। और 1 कप से बहुत सारी बन जाती है फ्रेंड्स, उसमें से कम 5-6 लोग खा लेते हैं आराम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो जिसको ज़्यादा पसंद है मीठा वही खा पाता है। तो इसी तरीके से हम सारा निकाल लेंगे और ये हम चाशनी रखे हैं, देख सकते हैं मेरा कितना बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, चाशनी जो है हमारी थोड़ी थोड़ी गर्म है और इसमें जो है हमें सिर्फ डुबाना है और निकालना है, ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी जो जलेबी है नरम हो जाएगी। और जितनी आपको खानी हो उतना ही इसमें डालें और निकालें। तो इसी तरीके से मैं कई सारी निकाल ली हूँ और आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। बनाने को तो फ्रेंड्स मैंने कई बार बनाई थी लेकिन शेयर नहीं की थी, और ख़ास करके मेरी जो जलेबी है ना, कई देशों का नक्शा बन जाता है, बहुत अच्छी नहीं बनती है, बस खाने में टेस्ट जो है ना इसका बहुत ही अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ना बहुत ही रस भरा है और खाने में एकदम से कुरकुरी है, आप देख सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइएगा घर पे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, और इसको दही के साथ फ्रेंड्स सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।